के प्रोसेस में और अगर आपको डर है उस मीटिंग अटेंड करना जिसको आपको इनविटेशंस से जस्ट गो रोमियो 8:28 आपके लिए मैंने जान दऊं बट ये मेरी मन में आया आप डर से बैठे हुए आप फेस नहीं करना चाहता उस मीटिंग्स को बट uh, आप जस्ट गो प्रभु आपको आशीष देंगे अनुग्रह देंगे आमीन बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय 16 बुक ऑफ जेनेसिस उलपति के अध्याय सोलह एक से लेके तीन तक पिछले कुछ हफ्तों से हम किस चीज के ऊपर सीख रहे हैं प्रभु के वजन से फेत विश्वास हमने इब्राहम एक देखा विश्वास का पिता कौन है बाइबल में किसको कहता है विश्वास के पिता इब्राहम और इब्राहिम की जिंदगी से हमने सीखा हमने देखा समझा कैसे इब्राहम विश्वास के पिता बना अलग अलग एस्पेक्ट्स को अलग अलग चीजों को हमने सीखा समझा उस वजन से आज हम आ, कैसे उस विश्वास के टाइम में कुछ पिटफॉल्स है कभी कभार कुछ गलतियां करते हैं हम विश्वास को हम एक्सरसाइज करते हैं प्रभु का उस वचन उस, 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 मैसेज उस, उस, उस जब हम समझेंगे कभी कभार हम गलतियां भी करते हैं कभी कभार हम क्या करते हैं गलतियां भी करते हैं बैलेंस अप्रोच होना बहुत जरूरी है प्रभु का वजन समझ के गलतियां सब करते हैं कुछ बताते कुछ नहीं बताते ये ये फर्क है, है ना उसे अलावा कुछ नहीं गलतियां सब करते हैं कुछ बताते कुछ नहीं बताते आज हम सीखेंगे परमेश्वर के इस वजन से कैसे आप फेथ को ग्रेटर लेवल में अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जिंदगी में आशीषों को अनुग्रहों को आप अपनी जिंदगी में कैसे ले सकते हैं उत्पत्ति अध्याय सोलह एक से लेकर अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी सारे ने अब्राहम से अब्राहम से कहा देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए सारे की यह बात अब्राम ने मान ली इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते दस वर्ष बीत चुके तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो जब परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस दिया मैं तुम्हें बच्चा दूंगा आशीष दूंगा बट बीच में उसकी वाइफ ने अपनी प्लान बनाया कभी कब हम अपना प्लान बना देते हैं ना ओवर स्मार्ट हो जाता है और आगे चलना चाहता है प्रभु की उस स्पीड में नहीं अपनी प्लान में चलना चाहता है उसने अपनी प्लान बनाया अपनी स्लेव को अपनी नौकरानी नहीं उस स्लेव मतलब खरीदते लेते लोगों को उनको उठा के दे दिया तो उसके साथ सो जा और तेरा बच्चा हो जाए बहुत बार हम भी हो जाता है है क्या होता इम्पेशम्पेश हमारा भी पेशेंस चले जाता है प्रभु ने प्रॉमिस दिया आपको कुछ साल पहले मैं तुझे तो दूंगा मैं तुझे तो ये दूंगा आशीष दूंगा अनुग्रह दूंगा चंगा दूंगा बट कुछ टाइम क्या हो जाता है हम लोग इम्पेश के, क्या करते हैं उस सबसे लाइफ के गड़, बड़े गड़बड़ी खड़ा करता है जब आपको प्रभु ने प्रॉमिस दिया आपको खाली बैठने के टाइम में कोई ज्यादा गड़बड़ी होने का चांस कम है बट जब परमेश्वर वर्ड देता है प्रोफिट वर्ड देता है वचन निकलता है आप सोचते हैं अरे ये कब पूरी हो जाएंगे और उसी टाइम क्या जाके क्या करते हैं सबसे बड़े गड़बड़ी कर खड़ा करता है

वो करके दिखाने वाला परमेश्वर है करके दिखाने वाला परमेश्वर है बट इसके बीच में अगर आप सेरा का बात सुनने चले जाएंगे इब्राहिम की बात सुनना चले जाएंगे फिर दिक्कत पड़ सकता है आपको अड्डे और खड़े रहना परमेश्वर आशीष देंगे और इसी में जो उससे से वंशावली कौन से निकलाया इस्माइल जो आइजक की बच्चों के लिए यहूदा वंशदालयों के लिए और जीश मसीह की चेलों के लिए सबसे बड़ा मुश्किलें आज भी वो खड़ा करता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया कभी कभार आप कबारेशंट होके ऐसे काम करते हैं पूरी जिंदगी भर उसकी उसकी उसकी, उसकी परेशानी आपको झेलना पड़ता है इम्पेश दिया प्रॉमिस दिया ये क्यों नहीं हो रहा मैं मैं ये ये करूंगा वो और सब ट्राई करके देखेंगे और एंड ऑफ द डे गड़बड़ी खड़ा कर लेंगे और आपकी लाइफ की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक हो सकता है उस टाइम आप खड़ा कर सकते हैं उसकी अगला नेक्स्ट वर्ष वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह अपने स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी अब, जब स... अब तक क्या बोलते थे मैडम अब क्या हो गए मैडम नहीं है अब तक जीत है जी भी चला गया नाम भी आ गया फिर उसको तुच्छ मानना शुरू हो गया गलती किसकी सेरा की उसने खुद प्रभु के प्रॉमिस में आटे और खड़े रहना है और हैगर हा, हाजरा हजरा उसकी हैगर का नेचर चेंज होना शुरू हो गया उसको अपनी स्वामिनी के तरफ उसके एटीट्यूड चेंज हो गया कभी होता है ना आपने किसी को आशीष देने के बाद अनुग्रह देने के बाद उनका एटीट्यूड चेंज होते हुए तो दिया, 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 क्या हो गया उसके बाद क्या हो जाता है रियल कलर बाहर आ जाता है किसी का रियल कलर आपको देखना है आपका बच्चे को भी किस चीज में वो खर्च करेंगे जाके एक हजार रुपए पकड़ा दो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना फिर दस दिन पंद्रह दिन के बाद पूछना तूने क्या क्या किया उससे

जो किराए पे घर से रहते हैं प्रमेश्वर आशीष देते हैं उनको अपनी घरों से साथ व्यवसायों के साथ बट उस टाइम इनकी नेचर कैसे चेंज हो जाता है आदत क्यों चेंज हो जाता है चर्च नहीं आता सेवा करने वाला सेवा करना बंद कर देता है ये ऐसे कैसे बदल जाता है बिशप ने एक वर्ड बोला ये बदला नहीं ऐसे थे बिशप ने क्या बोला बदला नहीं ऐसे थे अभी कलर बाहर आ गया, गया, गया रियालिटी अब बाहर आ गया एक टाइम गरीबी ने परेशानियों ने सिस्टम ने ऐसे दबा के रखा है उनका बाहर कलर कभी हम नंबर इसलिए होता है सिचुएशन आएंगे, आएंगे। हाजिरा का क्या बाहर निकला आया रियल कलर है। और इस गलतियां किसने किया आपको मैं क्यों बोल रहा हूं आपको परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया इन फेथ में कुछ चीज करने का टाइम है आप कब कब गड़बड़ी करेगा और मैं चाहता हूं ये आप गड़बड़ी ना करें प्रभु प्रभुश्वर ने प्रॉमिस दिया उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने तक वेट करें बोलो तुझे प्रॉमिस दिया वेट वेट हम वो आराधना गीत गाते हैं ना कौन सी चुपचाप आडे और खड़े रहो जाके हाजिरा को सेटिंग करने मत जाना हाजरा के पास मत जाना बीवी ने बोल दिया तो भी बोल दे तुर के विश्वास नहीं होगा मुझे विश्वास है मैं आडे और खड़े रहूंगा अमीन उसी सिक्सटीन वन टू थ्री एक और बार पढ़ो वो स्टोरी आपको समझ आए दिमाग में घुस जाए अब्रम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी सारे ने अब्रम से कहा देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तुम मेरी दासी के पास जा संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए सारे की यह बात अब्रम ने मान ली इसलिए जब अब्रम को कनान देश में रहते दस वर्ष बीत चुके तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्रम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो और पांच फोर वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह अपने स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी और पांचवी आयत में आपको ऐसे लोग आपके घरों में भी होंगे परिवारों में होंगे आपको समझ आएगा पढ़ लीजिए पांच तब सारे ने अब्रम से कहा जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया पर जब उसने जाना कि गवा गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच बस सेरा क्या कर लिया पलट गया हसबेंड कोई काम करने के लिए किसने बोला और अब क्या बोल रहा तू तेरी वजह से हुआ जी कभी कभार पलट लेना कभी हस्बैंड हमारा पलटने में एक्सपर्ट होता है बच्चे पलटने में एक्सपर्ट होता है वाइफ पलटने में एक्सपर्ट होता है बोलते हैं तेरे हाथों तू ऐसे कैसे कर सकता है तो तेरी गलती है ऐसे बोल सकते हैं हम सब एक दूसरे के साथ होता ही है पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु की वचन में परमेश्वर आपका सबसे ज्यादा टेस्ट क्या करेगा पेशेंस आपको बोलेंगे मैं तुझे बच्चा दूंगा और आप टेस्ट सुनते जा रहे हैं मेरे को बच्चा मिला मुझे आशीष मिला और आप दो साल बैठने के बाद कहीं और जाके माथा टेकना शुरू कर दिया यीशु मसीह यीशु मसीह बोला भी दे दिया उसके बाद जा कुछ और काम करना शुरू कर दिया परमेश्वर उस टाइम आपका फेट टेस्ट करेगा प्रभु को पता होगा तू मेरा हुआ नहीं हुआ बोलना ईजी है वो मेरा रूबरू मेरा रोमांटिक लवर मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर बट आपको टेस्ट करेगा तू है परमेश्वर का ये नहीं है टेस्ट होगा आपका टेस्ट होगा मेरा भी टेस्ट होगा और पेशेंटली वेट करना है कैसे कितने लोगों को पेशेंस की कमी है मैं, खाना बनाते है। तब तक मैं दो चार पैकेट बिस्किट और फ्रिज में कुछ है। जो है चॉकलेट सब खा के बैठा होता हूँ क्यों पेशेंट नहीं है खाना आएगा अपेटाइट भी आपका जो भूख भी उस टाइम तक क्या हो गया होगा खत्म हो गया बड़ा नहीं खत्म कर दिया ना आपने पेशेंस आप होगा सब चीज सब सबके बीच में ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है पेशेंस डेवलप करना सबसे इलाज करना है तो मुझे करना चाहिए इसका इलाज मुझे अपने आप को बट मैं सीख रहा हूं अभी आप भी सीखेंगे और ग्रेटर फेथ में बढ़ेंगे और एक्सपीरियंस के साथ मैं शेयर करता हूं कलिशा में जब भी है आपको याद होगा लास्ट जब भी हमने अंकल मेनन के घर पे सभा शुरू करने के दो तीन चार महीने के बाद इंग्लिश सभा शुरू किया था याद है वो भी इधर ही बतौला में शुरू किया था और तीन चार महीने हो गया उधर जो मैं चाहता था हुआ नहीं ब्लैसिंग आया डिफरेंट तरीके से ब्लैसिंग uh, 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 हो रहा uh, है तो उन्होंने बोला, बोला मैंने बोला मैंने सुना परमेश्वर से आवाज शुरू करसेंट तुने सुना होगा और तुझे इंग्लिश चर्च भी होंगे तुम्हारा उन्होंने भी बोला बट फ्यूचर है या नाउ प्लान है फ्यूचर प्रोमिस है या नाउ प्रॉमिस है मतलब आगे वाले आने वाले टाइम में होगा या अभी होगा क्या बोला मैंने हम हम सोचते हैं परमेश्वर ने कोई भी वर्ड दिया वो नाउ अभी होगा हम क्या बोलते हैं हम सोचते हैं कि है? ये आज होगा बट परमेश्वर कुछ-कुछ चीज आपसे क्या करते हैं फ्यूचर के लिए आने वाली कल के लिए बताते हैं और उसके ऊपर हमने आप भी चला गया आप भी काम कर लिया तो गड़बड़ हो सकता है राइट थिंग एट द रॉन्ग टाइम प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स सही चीज सही चीज गलत टाइम में क्या बनाएगा गलत चीज बनाएगा शादी करने के पहले एक लड़की जाके रिश्ता बनाया प्रेग्नेंट हो गया बच्चा होना अच्छी बात है खुशी मनाता है ना बच्चे होते हैं हम क्या करते हैं मिठाई बांटता है बट उसके घर पे मिठाई बटेगा रॉन्ग थिंग रॉन्ग टाइम और ये गलत चीज प्रोड्यूस करेगा आपको भी ध्यान रखना परमेश्वर आपको आशीष देंगे अनुग्रह देंगे उसी टाइम वेट करना है फेथ फेथ प्रॉमिस है क्योंकि की मैसेज सबसे खतरनाक मैसेज है क्योंकि बहुत बार ये सुनने के बाद लोग बहुत सारे उल्टा सीधा स्टेप्स लेते हुए मैंने देखा प्रभु ने मुझे ये बोला परमेश्वर ने मुझे ये करा मैं जाके आज ही कर रहा हूं आज ही खुद मार रहा हूं नहीं आपको वेट पेशेंस मैं इसलिए बोला बैलेंस करके मैं मैसेज चीज आपको समझा रहा हूं परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस दिया पेशेंटली वेट करो कुछ फ्यूचर जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बोला बोला तूने सुना होगा बट कब के लिए आज के लिए और कल के लिए कुछ अभी कुछ बोलो कुछ अभी कुछ, अभी? कुछ बाद, में। बाद में जैसे हम कुछ खाना खाते हैं ये अभी के लिए नहीं है ना जैसे बच्चों को हम दूध पिलाते हैं अभी भी ग्रो हो रहा है बट हमें पता है ये दूध पी रहे ये माँ का दूध पी रहे उसको कब कल भी काम आ जाएगा है ना तो कुछ ब्लेसिंग्स कब के लिए अभी कुछ फ्यूचर के लिए मैं आपको एग्जाम्पल की चीज समझाऊंगा मुझे दो अश्विन बदर भद्र योगेश एक एग्जाम्पल समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप गलत टाइम पे ब्लैसिंग गलत टाइम पे आपने स्टेप उठा लिया आप फेल हो जाएंगे अब इधर खड़ा हो जाओ और आप दोनों एक एक कदम लेके आना जब मैं बताऊंगा इधर इधर उस तरफ चलना है मुझे भी उधर ही जाना है आपको भी उधर ही चलना है ठीक है जी और आप एक एक स्टेप उठाते रहना स्लोली पांच सेकंड दस सेकंड में कितने अभी जब हम शुरू करेंगे हम तीनों शुरू करेंगे और आपने ऐसे एक स्टेप उठाते उस तरफ आना है आप समझो मैं अमेक के और ये है मैंने एक बिजनेस शुरू करना है परमेश्वर ने मुझे बोला मैं तुझे बिजनेस के साथ ब्लसिंग करूंगा क्या बोला प्रभु ने मुझे बिजनेस के साथ ब्लस करूंगा और मुझे बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या चाहिए पैसे चाहिए और लोग भी चाहिए साथ में ये दोनों साथ है क्या क्या और पैसा और लोग दोनों चाहिए और परमेश्वर ने मुझे दोनों चीज देना है परमेश्वर ने मुझे दोनों ब्लसिंग देना दोनों आशीष देना है और मैं प्रभु से सुन लिया और मैं चला गया और पांच साल हो गया मैं खड़ा हूं मेरे पास और मेरे लिए जो रिसोर्स अब भी आ जाओ ये लोग कब कैसे आ रहे है? इनको हो सकता है पंद्रह साल के बाद आना हो सकता है दस साल के बाद आना हो सकता है पांच साल के बाद आना बट ये लोग मेरे पास टाइम पे पहुंचा जो मैं जो टाइम चाहता था उस टाइम पे पहुंचा और मैं फेल हो गया मैं ये आने वाला था मेरे पास थोड़े और टाइम खड़े और अड़े रहो बट मैं बिजनेस ही बंद कर लिया मैं सोचा चल यार भाई हो गया मेरी बस की बात नहीं अभी ये लोग कहाँ खड़ा है अभी हो सकता है कोई और बंदा उस टाइम प्रार्थना करके आके बैठे उसके साथ रिसोर्सिस जाए उस ब्लसिंग जाए समझ पा रहे आप yes. और आपने गलत टाइम पे चीजों को लॉन्च किया जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने देना क्या होगा हम ओवर स्मार्ट होंगे हम ओवर एक्टिव होंगे जल्दी करेंगे अभी करेंगे देखेंगे बट वो फेल हो जाएंगे yes. रिसोर्स और कैपिटल क्या क्या चाहिए आपको रिसोर्सेस चाहिए लोग चाहिए भैया दोनों परमेश्वर ने देना बट ये कब आएंगे ये कब आएंगे अपनी टाइम पे आएंगे बट हम चाहते आज इसी टाइम हम हम कब चाहते हैं आज इसी टाइम हो जाए जी आज ही हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है आज ही नहीं होगा कोई चीज ये एक टाइम है और जब आई पीछे आ जाओ और मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर के साथ बैठे और प्रभु ने बोला ठीक है स्लोली गो आपको एक शॉप है आप हिंदुस्तान की हर जगह शॉप खोलना चाहते हैं आप प्रमोशन लेना चाहते हैं सीईओ बनना चाहते। है, मैं तुझे, तुझे, तुझे अनुग्रह दूंगा।, दूंगा और मैं प्रभु के साथ टाइमिंग सुनते एक एक स्टेप ले रहे ये लोग भी क्या कर रहे हैं स्टेप लू एक एक मैं मैं जल्दी भागा नहीं जल्दी दौड़ा नहीं मैं क्या कर रहा हूं स्टेप ले रहा हूं एक एक और उसी के साथ इनका पेस तो पहले ही ऐसे ही है वो लोग एक एक साल में एक एक स्टेप लेके आराम से आ रहा था पांच साल में मेरे पास पहुंच रहा था मैं तो तीन साल ही पहुंच के फेल होके वापस चला गया बहुत बार होता है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बट जब हम परमेश्वर के वर्ड पे सुन के जाते हैं हमारे लिए प्रमोशन क्या आएंगे टाइम पे आएंगे और हर लेवल में हर लेवल में अलग मेच्यूरिटी चाहिए आप फेथ में स्टेप्स उठाते कदम उठाते बट कुछ ब्लसिंग्स आ, आ, मलाई अच्छा है मलाई अच्छा है ना बट मलाई ओवर खा लिए तो क्या होगा लूसपूस नहीं होता होता है ना मलाई ज्यादा खा लिया आपने रोटी ज्यादा खा लिया मीठा ज्यादा खा लिया या लूसमोशन होगा या उल्टी होगा कुछ ब्लसिंग हमें पच के एक लेवल को एंजॉय करके एक ब्लसिंग को एंजॉय करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है तब भी ये मेरे साथ चलेंगे फिर जो मुझे टाइम चाहिए उस टाइम दोनों मेरे पास आएंगे फाइनेंस भी होंगे लोग भी होंगे साथ में टाइम पे और कुछ बंदे फेल होता है दस में से नौ फेल होता है

बिजनेस में व्यवसाय में फेल होके होकर सत्तरअसी साल का बुद्धा बनेंगे उस साल जाके बोलेंगे परमेश्वर कुछ नहीं करता प्रभु देता है होती है होती कुछ नहीं होता परमेश्वर की गलती है प्रभु की गलती है किसकी गलती है हमारी गलती होता है ये मैंने इसलिए समझाया परमेश्वर के साथ थैंक यू प्रभु के साथ थैंक यू परमेश्वर के साथ आप उस टाइमिंग अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है मैंने भी फेलियर हुआ बहुत बार डिवाइन टाइमिंग्स फेलियर हो गया बहुत बार आपका टाइमिंग फेल ना हो इस बार बोलो अपनी टाइमिंग फेल ना आता है ऐसे स्पीड में, कभी आपने पूरा जान लगाता है उधर नीचे जहां खेलता है उधर तो गड्ढा खोता है एक रन नहीं बनता बट कभी कबर बैट का कहीं ना कहीं राइट टाइम आप बोल को लगाते लगता है, है ना? क्रिकेट जिसने खेला आपको पता है टाइमिंग स्पोर्ट्स टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फेथ में आपके विश्वास ही जिंदगी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप गलत स्टेप ले लिया क्या होंगे वही चीज फेलियर हो जाएंगे फेथ प्रॉमिस के ऊपर और कैसे पता चलेगा मुझे मेरा टाइमिंग सही है प्रविंश शरण मुझे सही आशीष देना है मुझे कैसे पता चलेगा बताओ एक चीज है जहां भी आप जा रहे हैं आपको फेवर मिल रहा ऑब्जर्व करो क्या बोला मैंने जो कार्य आप शुरू करने वाले हैं, जो स्टेप्स आप उठाने वाले हैं, उसमें फेवर मिल रहा है, अनुग्रह मिल रहा है, चेक करो आप क्या बोला फेवर आपको मिल रहे लोगों से चर्च से बंदों से फेवर मिलते हैं आपका फेवर की छतरी के नीचे रहो फेवर की छतरी छोड़ के मत जाओ जहां आपको फेवर मिलता है जिस कंपनी आपको फेवर देता है जिस ग्रुप आपको फेवर देता है उस छतरी के नीचे रहो वो आपको पता चलेगी ये मेरी स्थान है ये मेरी जगह है मुझे इसी जगह में आटे और खड़े रहना है फेवर अनुग्रह एक 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 बार पास्टर ने अपने लिए और और चर्च की जमीन एक और, एक जमीन लेना था जमीन था उनका ऑलरेडी रियल रियल स्टोरी मैं कहानी नहीं बताता हूँ जो स्टोरी है या मेरे साथ हो गया होगा या किसी न किसी चर्च के साथ हो गया होगा इसलिए मैं रियल स्टोरीज बताता हूँ उस पास्ट ने दूसरा एक कुछ एकड़ जमीन और लेना था किसी से बात चला जमीन की हमें लेन देन करना है और जब भी वो जाके एडवांस देने के एग्रीमेंट के साथ बैठते हैं मालिक एक नया और क्लोज लेके आता है हम इसको भी ऐड करेंगे हम ऐसे भी ऐड करेंगे और तीन महीने लगातार हुआ है ना कुछ छात्र लोग होता है ना हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं हमसे बोलेंगे इसी रेट में देंगे कल हम पहुंचेंगे क्या बोलेंगे चाचा जी ने मना कर दिया जी यही होता है ना रेट बढ़ाने के लिए पैसा बढ़ाने के लिए गेम करने के लिए पापा मना कर दिया मम्मा मना कर दिया ये नहीं होगा वो नहीं होगा ये तीन महीने परेशान हो गए इस पास्टर बोलते हमेशा मैं पहुंचता हूँ ये डील चेंज करता रहता है बात चेंज करता रहता हूं क्या रहा है आपको ऐसे हुआ कभी कुछ खरीदने के लिए चले जाता है, होता है ना कभी कभार खुशी चला गया आपका बोलते मेरा तो खुशी चला गया मेरे को तो कोई आनंद ही नहीं है इसमें तो प्रभु ने बोला आई एम नॉट ऑफ परमेश्वर ने क्या बोला मैं इस डील में हुई नहीं है इस डील में तुम्हारी बीच में

Uh, पैसे में अच्छे लोकेशन प्राइम जगह में मिल गया फेवर आया इमीडिएटली उसी में भी मालिक की तरफ से फेवर आया हंड्रेड मिलियन कुछ खरीदना था मालिक ने चर्च का नाम सुनकर एटी कर दिया उसका मार्केट रेट से भी ट्वेंटी थर्टी परसेंट बोल फेवर देखा हमने फेवर फेवर आपको टाइमिंग अंडरस्टैंड करना है और आप ओवर स्मार्ट है? बोलना अपनी भाई को पड़ोसी को हस्बेंड वाइफ को बोलना ओवर स्मार्ट नहीं बनो ओवर स्पीड भी नहीं जाना ओवर स्पीड किल है ना हम हम कभी हाईवे से जाते हुए देखता है करके जाता है। कुछ टाइम के बाद एम्बुलेंस खड़े होकर दिखता है ना आधा आधे घंटे के बाद दूर से नहीं दिखता बहुत ओवर स्पीड में जाता है वो क्रैश होता है और उस परमेश्वर का टाइम पे कैसे जाना प्रभु ने आपको प्रॉमिस दिया सुनो देखो समझो इम्पेश महीने इस चर्च छ महीने से छह महीने के बाद 78, 79, 80, 81 करते रहेंगे घूमते रहेंगे दो साल यीशु मसीह को भी दे दिया दो साल फुलझड़ी बाबा को भी दे दिया तीन साल गोलगप्पे वाला बाबा को भी दे दिया सबको देते हैं हम साल बट मैं आज आपको कह रहा हूं अगर आप सर्चिंग में आपका सर्च एंड हो चुका है क्योंकि आप रियल यीशु के पास है, जिसने बनाया इस धरती को मुझे और आपको क्रिएटर के पास पहुंच गया बाबा मरेंगे खत्म हो जाएंगे उसी बाबा का मुंह से भी स्मेल निकलता है बट यीशु मसीह के पास जिसने आपके लिए जिंदगियों को दिया उसके पास आप आ चुका जब आपने लाइफ दिया वेट वेट अब्राहम का लिखा हुआ है के शरीर सब खत्म हो चुका है चाइल्ड बियरिंग एज बट उसके बाद जाके परमेश्वर ने ब्लसिंग दिया आपको फेथ के विश्व फेथ की मैसेज जब भी प्रचार होता है कभी कभार नए एक्साइटमेंट में जाएंगे आप अपना नौकरी रिजाइन करेंगे बोला परमेश्वर ने मुझे बोला पास्टर बनो प्रभु बोलेंगे तू तो अभी दो दिन पहले तो तूने छोड़ा, तेरे को खुद जरूरी है एक आधा टेस्ट नहीं भी सुना होगा किसी बिजनेसमैन का मुझे आशीष मिला अनुग्रह मिला जो प्रभु के साथ लंबे टाइम से चल के आपको टेस्ट करना है आपके लिए कुछ प्रोमिस सब प्रोमिस आपके लिए नहीं है कुछ प्रोमिस आपके लिए सबकी टेस्टमनी कहानी जो लोगों की उनकी स्टोरी आपने चार मिनट में किसी का टेस्टमनी सुना मेरा ये काम हुआ उनका पीछे कितनी टाइम से वो है प्रभु के साथ वो विश्वास ही वो तो नहीं सुना होगा है ना ओवर स्पीड में नहीं जाना, नहीं जाना। और हमें से और भी ग्रुप होता है वो लेट है बहुत लेट है स्पीड ही नहीं गाड़ी नहीं स्टार्ट करते कभी वो भी फेथ की कमी है फेथ में आपने परमेश्वर को फॉलो करना है मैथ्यू बुक ऑफ मैथ्यू खोलेंगे मैथ्यू या पिछले हफ्ते कोई स्टेप्स स्टेप्स, उठाया? विश्वास के साथ स्टेप्स उठाए कदम उठाए नहीं मैं सुनते आ रहा हूं जी मैं बहुत ज्ञानी हूं मैं, जैसे कुछ लोग होते हैं इतनी नॉलेज भरता है कोई काम का नहीं है नॉलेज बाइबल में भी ऐसे सुनते 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 जाएंगे ज्ञान सब लेंगे बैप्टिज लेंगे नहीं काम करेंगे नहीं परमेश्वर के लिए वो सुनते ही सुनते ही सुनते जा रहे हैं टाइमिंग जरूरी है क्या चीज जरूरी है टाइमिंग ये आप नहीं बड़े बड़े लोग फेल होता है आप आप मैं सोचना आपने स्टेप उठा बड़े बड़े लोग फेल होता है प्रभु का बड़े बड़े दास डॉक्टर डेविड डेवडियोचो का नाम आपने सुना होगा ना साउथ कोरिया का जिनका नाइनटीन नाइनटी में दस लाख के अधिक उस कलिशा के मेंबर्स थे उन्होंने टीवी चैनल शुरू कर दिया सैटेलाइट चैनल क्या चीज कितनी खर्चे होते एक एक टीवी चैनल चलाने के लिए उसमें कुछ नहीं करना तो साल में दस करोड़ रुपए का होता, 1990s की बात कर रहा हूं इंटरनेट नहीं है टीवी सोचेंगे करने के लिए क्या खर्चा है मैं आपके टिकटॉक चैनल खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब में इंस्टाग्राम में चैनल खोल दिया अब हम, हम सारे चैनल मालिक है ना आजकल है ना टिकटॉक मालिक है चैनल यूट्यूब मालिक फूड लिविंग सबके पास चैनल है सब्सक्राइबर है

प्रभु ने बोला टीवी चैनल खोलो बट फ्यूचर या नाउ हमें बहुत बार पता नहीं है कुछ कुछ कोट अंग्रेजी में कहा होता है अपनी अपनी हिसाब की कोट काटना अपने हिसाब से कपड़े काटो हम कभी कभर जैसे अभी लहेरी क्या बोलते हैं इसको हिलेरी जो आप सब देख रहे हैं है ना हिलेरी दलेरी क्या बोलते इसको इसकी मुंह कितना है छोटा सा और ये सोच ले इसने देख के आया हाथी को मुंह खोलते हुए वो सोचा आज ट्राई करेंगे जी क्या होगा वो आगे से लेकर पीछे तक फटेगा यही होना है अपनी तरफ से अपनी कपड़े अपने हिसाब से कोट काटना बैलेंस फेथ मैसेज मैं आपको बैलेंस मैसेज दे रहा हूं बैलेंस के साथ चलना है वो नहीं है तो खत्म हो जाए खराब हो जाए कहानी आपको ये ध्यान से चलना है फे बड़े बड़े बड़े, बड़े, बड़े लोग गलतियां करते हैं आप नहीं है आप अकेला नहीं है प्रोफेट टीबी जोशुआ का नाम आपने सुना होगा तो एक बार एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा आप चर्च का ब्रांच कब शुरू करेंगे हर कोई भी देश में कितनी भी ब्रांच खोलेगा तो काम होना है ऐसे एक दास है प्रभु का और एक ही जगह में नाइजीरिया में उन्होंने बोला मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी शुरू करना चाहता हूँ बट मैंने एप्लीकेशन लगा रखा है परमेश्वर के पास उन्होंने मना कर रखा है अभी आई एम येट टू हियर फ्रॉम लॉर्ड हम करते हैं कभी कभी रॉन्ग टाइमिंग हो जाता है रॉन्ग टाइमिंग मैं मानता हूं लोग मानते हैं लोग अपना किताबों में लिखते हैं आप मानते नहीं है

और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए कब तुरंत नहीं मम्मी से पूछना है हसबेंड से पूछना है चाचा से पूछना है रिलेटिव से पूछना है शादी होगा नहीं होगा लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा लड़की मिलेगी सब सोच के या कब तुरंत तुरंत और पीटर का पीटर को बुलाया ना अभी पीटर के नाम लिखा ना और पीटर का लड़का था लड़की था उनका बच्चे कौन सी, किसकी बेटियां भविष्यवाणी करते थे पीटर का बेटियां भविष्यवाणी नहीं करते थे नहीं लिखा में ऐसे देख रहे मुझे भी डाउट में डाल रहे सब लोग <laughs> कौन सी किसकी बेटी है भविष्यवाणी करते थे चलो पीटर का शादी हुआ था तो ना पूछते हैं शादी हुआ ना क्योंकि उसके ससुमा के बारे में भी लिखा हो तो याद होगा उसका मतलब तो उसका बच्चा भी हो गया होगा यीशु मसीह से बड़ा है पीटर यीशु मसीह से बड़ा है उसने ये बोला है, नहीं मेरी लड़की के शादी होगा नहीं होगा मेरी पता नहीं ससुम्मा बीच बीच में आ, मरी आता रहता है वो मर गए तो दफनाएंगे या गाड़ेंगे

प्रभु को सेवा करने का टाइम हो गया साल हो गया आपको दूसरों के साथ शेयर कर दो प्रभु के बारे में आपको नहीं है किसी का गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता पूछो आपकी आप गाड़ी स्टार्ट कराते हो करते हो फ में काम करते हो या बैठे रहते हो आप बैठे रहेंगे प्रोमिस के ऊपर क्या होगा हर हफ्ते आप गवाही सुनेंगे उसके अलावा आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा आप देखेंगे मैदान में कोई छक्का किसी का फाइनेंशियल टेस्ट का बच्चे का टेस्ट नहीं आ रहा है कोई ठीक हो रहा है और हमने फेथ में विश्वास ही नहीं किया कोई बोलेंगे मुझे मैंने दशांश बोया मुझे आशीष आया जो आज आज जिसका भी टेस्ट बनी आप सुन रहे हो उनका चेहरा अच्छे से देखे रखो और जो आज दशांश बोरा चेहरा अच्छे से देख रखो क्योंकि कल के लाखपति करोड़पति बैठे आपके साथ आप चेहरा देखे दोस्ती अच्छा होगा अगर आप फेथफुल हो विश्वासी होगी हो ये भाई काम आने वाला है क्योंकि परमेश्वर करेगा करेगा आशीष आपको पीछे नहीं रहना जब परमेश्वर आपको बोलता है प्रोमिस को क्या करना चाहिए उसको उठाओ और आगे जाओ प्रोमिस दिया आगे जाओ कुछ टाइम हम तो ओवर स्मार्ट होता है बैठे रहते हैं देखते है, करेंगे नहीं नहीं आपको प्रोमिस उठाओ आगे जाओ स्टार्ट करना है गाड़ी क्या करना है बहुत हो गया जी टाइम बहुत सुन लिया और क्या प्रचार सुनोगे अगला दो साल बैप्टिस्म लो और क्या क, क, कब सेवा करना शुरू करेंगे कब यीशु मसीह के बारे में किसी ने साल इनफ है वन ईयर हो गया आपको इनफ ज्ञान हो गया अब तो पता हो गया ना इब्राहिम कौन है यीशु मसीह कौन है है ना थोड़ा बहुत तो आप झेल लोगे आम बंदा आम बंदे के साथ शेयर ही कर लोगे। कभी एक बात ऐसे ऐसे करता है उनके साथ एक घंटा बैठना पता चलेगा कभी कभी-कभार हम बोलते हैं ना इसको बुद्धि और ज्ञान बढ़ के पागल हो गया देखा है ऐसे बंदे को आधा घंटे के पहले कुछ बोलता है और डिस्कशन के टाइम आपसे अगेंस्ट था आधा घंटे के बाद आपके साथ है और आधा घंटे के बाद कुछ और उसको खुद नहीं पता होता ऐसे होते हैं ज्ञानी बहुत बाइबल में भी ऐसे लोगों के बारे में लिखा है दिन में नहीं एक्ट करना है आपको फेथ में एक्ट करना है जब कर दिया गाड़ी स्टार्ट करो अभी आप कॉइंसिडेंटली आए एक्सीडेंटली आए चर्च में आज परमेश्वर आपको लेके आया एट उसी मती का आठ हद्दी आए आठ का इक्कीस से लेके बाईस तक एक और चेले ने उससे कहा हे hey प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा तू मेरे मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे यीशु मसीह को बोला मेरा कोई मर गया जी मैं जाके जरा जिस पैसा वैसा देख के आना दो सेटिंग करके आना दो बस क्रियाक्रम करके आना दो यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे चलना तो अभी चल बाद में जिनको करना है अपने आप करना दे हमें लगता है ना रूड है रूड है परमेश्वर ये क्या बोल रहे हो इमोशनल नहीं है मेरा मेरा आंसुओं को कोई वैल्यू नहीं देता मेरा मेरा देवरानी क्या बोलेंगे मेरा ससुर जी क्या बोलेंगे मैं क्या क्या कैसे करेंगे हैंडल करेंगे यीशु मसीह ने क्या बोला मेरे पीछे चलना है तो चलो अभी साथ में चलो अभी चलो साथ में इन चार साल के बाद देखेंगे करेंगे टेस्ट करेंगे आप टेस्ट करके देखेंगे क्या है वो बर्तन खरीद रहे हो जाके बहुत टेस्ट हो गए यीशु मसीह अभी ठोक के देख लिया चार तरफ से देख लिया बैठ के देख लिया और देख लिया क्या है टेस्टमणी आपको लग रहा है टेस्टमणी दे पैसा देके तो खरीदता तो है पूछो उनसे। आपको बस वेटिंग, 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 एक्सक्यूज, मैं ये करूंगा नहीं आज करना शुरू करो कुछ तो करो भाई को हिलाओ बहन को हिलाओ जो साथ में बोल दो करो करना शुरू करो आज बहुत हो गया पूछो कब बैप्टिजम का डेट कब बात करूं मैं इकतीसवी ठंड के टाइम रात को भी बैप्टिसन देने तैयार हूं कब सेवा करोगे कब परमेश्वर के लिए कुछ करोगे कब कर परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करोगे कब होगा कब होगा इनफ सुन लिया बहुत सुन लिया बहुत सुन लिया मैसेज सुन लिया देख लिया टेस्ट में। इनफ है इनफ है दो चार यूट्यूब में भी सुनते हैं इनफ है आज आप एक्शन का टाइम हो गया बैठे, बैठे 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 नहीं अब आपको फेथ में उठाना अपने पैरों में आएंगे प्रार्थना में जाएंगे पहले में विश्वास आपका विश्वास बढ़े उसके लिए प्रार्थना करूंगा फिर हम मास प्रेयर में जाएंगे और प्रोफिटिकली परमेश्वर आपके विषय में बात करेंगे और परमेश्वर कार्य करेंगे आज विश्वास क्या जिंदगी ओवर स्मार्ट नहीं होना किसके समान सेरा के समान ओवर एक्टिव नहीं होना प्रभु की प्रभु की उसकी उस, उस, उसमें चलना उस सिस्टम में चलना और आवाज सुनना परमेश्वर प्रभु के आवाज कैसे सुनेंगे आप

अब जॉब लगेगा काम करेगा प्रॉफिट करेगा आपका फर्स्ट सैलरी परमेश्वर को देना क्या बोला फर्स्ट सैलरी कंप्लीट परमेश्वर के घर में तुम हैं उस टाइम अंटार्कटिका की चर्च में बैठे उधर लाके दो प्रभु के हाथों में जहां भी चाइना में बैठे अफ्रीका में बैठे और जिस चर्च का पार्ट हो आपको लेके जाके और उस आप सबमिट करो परमेश्वर को फिर आप करियर में ब्लेसिंग्स को देखोगे किसमें करियर में आप ब्लेसिंग्स देखोगे बहुत सारे आशीषों को अनुग्रहों को मैंने तो बताया मैं तो नकली सर्टिफिकेट लगा के नौकरी लिया बट एक काम ठीक किया ताइत और, और गिविंग देता रहा बचता रहा रहा बचता मैं आज रहा? आज क्यों बोल बिजनेस में इसलिए नई नौकरी में तो तो मैंने बता ही नहीं सकता और वो भी कुछ टाइम प्रभु के साथ चलने के बाद परमेश्वर ने बोला ये तेरा शुरुआती ठीक नहीं हुआ उस टाइम तो मैंने प्रभु आंख बंद करते आप जानते थोड़ी टाइम शुरू शुरू में नया नए छोड़ा चलना तू नया न

मैंने अपनी टीम का किसी को शेयर कर रहा था आ, उसकी उस बंदे की उम्र के उम्र से बड़े बड़े लड़के दारू में नशा में गलतों में परेशानियों में ट्रबल्स में जिसके पास एक पिन भी नहीं अपनी अपनी छड्डी भी नहीं है अपना बट इस बंदे के पास बहुत सारी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट चीज़ आ गया मैंने बोला तू सेवा कर रहा है परमेश्वर का नशे में नहीं जा रहा बीमारियों में नहीं जा रहा बच खराब नहीं हो रहा है बचते आ रहे गाड़ी इक्विपमेंट चीज टीवी वी शीवी चीजें आते जा रहे हैं इसकी ब्लेसिंग्स क्या है परमेश्वर को सेवा कर रहा है प्रभु को दशांश में फेथफुल है और दूसरे का खराब होते जा रहा है चालीस साल के बंदे पे पहुंच गया पता नहीं है मैं बहुत देखता हूं पैंतालीस साल के कंफ्यूज बंदे पचास साल के कंफ्यूज बंदे साठ साल में भी सत्तर साल में भी कंफ्यूज अभी भी करना है क्या है बट आपको क्लैरिटी देता है परमेश्वर ये भी एक ब्लैसिंग है तो फर्स्ट

ओ बस वो वर्ड मुंह से निकल गया प्रभु को पता चल गया इसके एटीट्यूड क्या है आपका नेचर पकड़ लिया परमेश्वर ने अब वेट करो फिर आपको टाइम दखा गाना पड़ेगा कुछ टाइम क्योंकि ऐसे टाइम में परिस्थितियों में पता चल जाता है आपका रियल कलर कलर क्या है आपका कलर क्या है आपका रियल कलर अभी है या बाद में आने वाला है पूछा नहीं रियल कलर क्या है रियल नेचर क्या है जो अभी मेरे सामने है वो है या कल दिखेगा या आज जो है, है। वही है अच्छी बात है तो वो उठाएंगे मांगेंगे परमेश्वर विश्वास को बढ़ाएं एक आराधना गीत गाएं और प्रभु को मांगो विश्वास को बढ़ाएं और फिर हम प्रोफाइनल प्रार्थना में जाएंगे